समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की तुलना असुरों से की है और सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी रामगोपाल यादव ने खुलकर बातचीत की है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने दावा किया है कि वो राम भक्त हैं और हिंदू विरोधी राम विरोधी कभी नहीं रहे हैं। एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने रामगोपाल यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी सीतापुर में के नैमिषारण्य में दो दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी यहाँ पर आए और उन्होंने भाषण दिया, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर साहब यहाँ पर आप लोगों ने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है, क्या आप लोग नसीहत दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ तो हम इनसे ये कह रहे हैं कि ये ऐसी जगह है जहाँ से आप प्रशिक्षण ले रहे हो कि यहाँ भगवान विष्णु ने जब असुरों का बहुत ही तांडव होना शुरू हो गया था उनका संहार किया था। हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हो गए हैं, अब ये उत्तर प्रदेश में खास तौर से जहाँ लोगों का जीना दूभर हो गया है, तो उस मनोवृत्ति को ख़त्म करने का काम करेंगे ये लोग। ये असुर कौन है? ये असुर नहीं है, तुम ही समझ लो, हम क्या बताएं। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की जा रही है पार्टी के लिए। देखिए, हम कभी न हिंदू विरोधी थे न राम विरोधी थे, न हम लोग तो सब वैसे ही राम भक्त हैं, हम कहाँ विरोधी रहे, कभी नहीं, तो प्रचार लोग करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप सीख दे रहे हैं कि आपसी बैर को बुलाया जाए? यस। क्या चाहते हैं, क्या हो 2024 में? अरे सब बुला देंगे, देखिए हम हाथ उठा के उन्होंने वादा किया सबने। तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव अपनी बात को करते हुए और कह रहे हैं कि बहुत सारे असुर हो गए हैं जिनको नैमिषारण्य की धरती से खत्म करने का आह्वान वो अपने कार्यकर्ताओं से करके जा रहे हैं। सीतापुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।